मैं छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर बना रहा था, इन लोगों ने आलोचना कर ली मेरी कि ये मंदिर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। मैं तो अपनी भावना से मंदिर बना रहा था, कोई शासकीय जमीन नहीं थी, शासकीय पैसा नहीं था, तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है। इनके पेट में तो धर्म, इनके पेट में तो दर्द होने लग जाता है अगर हम मंदिर जाएं, हम धार्मिक बात करें, हम आपके साथ बैठेंगे, दर्द होने लग जाता है। कंप्यूटर बाबा जी को जब मैं पहली दफे मिला, बहुत नाम सुना हुआ था, मैंने सोचा ये कंप्यूटर बाबा से पता लगेगा बातचीत करके, चर्चा करके कि इनके विचार और मेरे विचारों में क्या अंतर है। हमने लंबी बात करी और मुझे फौरन एहसास हुआ कि इनके नजरिए हमारे नजरिए, ये तो चुनाव के पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, चुनाव के पहले की बात है। मैंने कहा कोई अंतर नहीं है, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया देश के प्रति, धर्म के प्रति, साधु समाज के प्रति हमारा बिल्कुल उनसे मिलता जुलता है। कोई लंबी बात आपसे नहीं करना, क्योंकि मैं तो आपसे आपका केवल आशीर्वाद देने आया हूं, पर एक बात कहना बहुत जरूरी है। हमारे हजारों साल की संस्कृति, भारत का हजारों साल की पहचान पूरे विश्व में, हमारे धर्म की पहचान पूरे विश्व में, हमारे भारत की पहचान कोई आर्थिक शक्ति से नहीं है, हमारे भारत की पहचान कोई मिलिट्री शक्ति से नहीं है, हमारे भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति से है। और जब पूरा विश्व देखता है, पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, ताज्जुब से देखता है, हैरान हो जाते हैं कि ऐसा देश जिसकी इतनी आध्यात्मिक शक्ति, जो आध्यात्मिक शक्ति अपनी पूरे देश की अनेकता को एक रखता है, कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में जिसमें इतनी अनेकता हो, इतनी विविधता हो। हमारी विभिन्न भाषाएं, हमारी विभिन्न जातियां, हमारे विभिन्न धर्म, हमारे विभिन्न त्योहार, दक्षिण जाए तो ये धोती लुंगी बन जाती है, त्योहार भी अलग है, पर कैसे एक भारत का देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। पूरा विश्व को ताल्लुक होता है कि कोई कोई भाषा बोलता है, कोई कोई खाना खाता है, कोई धोती पहनता है, कोई लुंगी पहनता है, माताओं और बहनों के साड़ी पहनने का तरीका बदल जाता है। ये कैसा देश है? ये वैसा देश है जिसकी आध्यात्मिक शक्ति है, और यही आध्यात्मिक शक्ति, यही आध्यात्मिक शक्ति हमारे भारत में, पूरे विश्व में इसकी पहचान है। पर अब जो आपने मांगे रखी है, हमारा लक्ष्य है कि हम अपने अध्यात्म क्षेत्र को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, और यही हमारा लक्ष्य है। ये कोई सजावट या बनावटी बात नहीं है, ये हमारी भावनाओं की बात है, ये हमारे दिल की बात है। हम सोचते हैं, केवल दिमाग से नहीं सोचते, दिल से भी सोचते हैं, और जो बात हमारे दिल और भावनाओं से जुड़ी है, इसकी आपको मैं कहता हूं आगे मांगने की भी जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आपका पूरे साधु समाज का, साधु संत समाज का मुझे आशीर्वाद मिलता रहेगा। यही आशीर्वाद आज मैं आया आपके बीच में। आपने जो 250 ग्राम मेरा खून बढ़ा दिया, और ये आशीर्वाद मिलता रहे, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।